सद्दसार पंडित, आपने बहुत सुना होगा जगह जगह पंडित जी, पंडित, पांडे, पांड्या, ये या पंडू, ये बहुत सारे शब्द हैं जो पै और आधा ड़े और डे से मिलके बने हुए हैं। मगर इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बहुत सिंपल और बहुत साधारण है। बेशक इस शब्द को बहुत हाइपर करके या बहुत उच्च करके लोगों के मन और मस्तिष्क में डाला जाता है, जबकि ये इतना उच्च और इतना हाइपर शब्द नहीं है। बेसिकली एक शब्द है बहुत पुराना प्राचीन जिसको बोलते हैं पंडू। पंडू का मतलब होता है पीलापन या पीला। अगर हम ये बोलें कि पंडू रोग हो गया तो पंडू रोग का मतलब है कि पीलिया हो गया। पीलिया को पुराने समय में पंडू रोग बोला जाता था, यानी पंडू व्याधि, पंडू व्याधि के नाम से, क्योंकि ये पीलापन ले गया था। जो लोग पीले कपड़े पहनते थे या जो पीला कंबल रखते थे उसको बोलते थे पंडू कंबल, यानी पंडू कंबल हो गया जो पीले रंग का कंबल होता है। एक होता है शब्द पंडू से बना है पंडर। पंडर का मतलब है हल्का पीलापन, बहुत हल्का, जैसे लेमन वाला होता है या उससे भी हल्का सफेद जैसा, उसको पंडर बोलते हैं। कहीं अगर हल्का पीलापन हो तो कैसा रंग है ये रंग को बोलते हैं पाली के अंदर पण, पे आधा ने और ने, यानी पण। तो ये हो गया पंडर पण, यानी के पीला रंग। ये जो पंडित शब्द है ये पंडित से बना है, पंडित। पंडित का मतलब है जो सुप्रीम नॉलेज रखता है, जो अच्छी नॉलेज रखता है, जानकारी रखता है, किसी भी क्षेत्र की जानकारी हो सकती है। जानकारी रखने वाले को पंडित बोलते हैं और जो सबसे ऊपर जानकारी रखता है उसको पंडित बोलते हैं। जानकारी कैसी भी हो सकती है, कोई अगर रुई धुनता है और रुई धुनने में वो बहुत अच्छा जानकारी रखता है और रुई धुनने का मास्टर है तो उसको रुई धुनने का पंडित बोलेंगे या रुई धुनने का पंडित बोलेंगे। कोई आदमी अगर सफाई करता है और सफाई करने का काम बहुत अच्छा करता है, सफाई चाहे घर की है, चाहे दुकान की है, चाहे रसोई की है या किचन की है, या अपने दफ्तर की है, या अपने इक्विपमेंट की है, या अपने किसी बस की है या कार की है, तो वो उसका पंडित हो गया। कोई आदमी अगर दुकानदारी बहुत अच्छी करता है तो वो दुकानदारी का पंडित हो गया, और अगर उसमें सुप्रीम है, मास्टर है, तो पंडित हो गया। बेसिकली पंडित जो है वो एक स्टेज है, एक जानकारी के लेवल को बताने के लिए एक शब्द है पंडित। और अगर ये पंडित में आगे के लग लगा दें, पंडित तक हो जाए, तो इसका मतलब है छदम जानकारी वाला। यानी पंडित में अगर के और लगा दें तो ये पंडित तक, पंडित तक का मतलब है कि कोई झूठी जानकारी झूठी परोस रहा है, खामखा अपने आप को कहता है कि वो पंडित है या बहुत सुप्रीम नॉलेज रखता है, जबकि उसे कुछ नहीं आता, वो धोखाधड़ी वाला छदम या बेकार का या क्या बोलते हैं एक फ्रॉड टाइप का व्यक्ति या महिला कुछ भी हो सकते हैं जो अपनी जानकारी का बखान करें और उन्हें जानकारी ना आती हो, उनको बोलते हैं पंडित तक। तो ये सिंपल से साधारण सा बहुत शब्द है जिसको बहुत ज़्यादा करके हाइपर करके बताया गया है, क्योंकि हर एक आदमी की इच्छा होती है कि वो जानकारी रखे या ना रखे, मगर लोग उसे जानकार कहें। तो जो चालाक लोग थे और जो चालाक लोग आज भी हैं, उनको चाहे भले ही किसी भी क्षेत्र में कोई जानकारी हो या ना हो, मगर वो अपने आप को सुप्रीम बताने के लिए, वो ऊंचे स्तर पर रहने के लिए, वो अपने आप को पंडित तक, पंडित, पंडिक, पंडू, पांडे, पांडा, ऐसा करके बोलते हैं। जबकि अगर आपको कोई जानकारी सुप्रीम नहीं है, कोई जानकारी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इस शब्द के हकदार नहीं हैं। ये शब्द ठीक ऐसा है जैसे मास्टर्स बोला जाता है या मास्टर बोला जाता है उनको, जो अपने काम में बहुत अच्छी तरह से तेज तर्रार हों और सारा काम जानते हों। भगवान बुद्ध के समय में लोगों ने भगवा कलर या पीले कलर के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। उससे पहले ये पीले कलर के कपड़ों का, यानी जो पंडू रंग है या पंडूपण है या पंडर है या पंडक है, इनके रंग के कपड़े नहीं चला करते थे, क्योंकि अधिकतर सफ़ेद कपड़े हुआ करते थे और सफ़ेद ही बनते थे, रंगने का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। तो जितने भी ये पीले रंग के कपड़े पहनने वाले जो लोग थे वो सारे बहुत ज़्यादा ज्ञानी और जानकार हुआ करते थे। उनके ज्ञान और जानकार की वजह से जो साधारण आम जनता थी उनको पंडू रंग से पंडित बोलने लगे या पंडित न हो गया। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आपको पंडा या पंडरपुर या पंडू या जो बहुत बहुत जानकार लोग हैं उनको, उनका जो क्षेत्र है, कहीं कहीं उनके टेम्पल भी हैं जैसे, तो वो सारे सारे बनाए गए। वो सारे सारे बौद्धों के
बहुत पुराने जानकारों के, भिक्कुओं के, या जो भिक्कुनी थी जिनको पंडु भी बोला करते थे या पंडित बोला करते थे या पंडित्य बोला करते थे, उन सब के भी हैं। ये वहीं से बना है रंग और वहीं से चला है। धन्यवाद।